ये देखो भाई क्या बात है यार, अभी गिर भी नहीं रही है, देखो कितनी ठीक है यार। रबड़ी केसर वाली ज्यादा पीते हैं। फलूदा देखो भाई, तो इतने फलूदा डालते हो ना एक मुट्ठी भर के ये, और क्या बात है। बादाम होता, पिस्ता होता, काजू होता, चिरौंजी होती है, चिरौंजी होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक एक दो दो डाल के कह दियो कि ड्राई फ्रूट से। 100 ग्राम के वैरायटी होती, 100 ग्राम करीब होता। तो दोस्तों जहां बात आती है दिल्ली में बेस्ट रबड़ी फलूदा कुल्फी की, तो भाई सबसे ऊपर नाम इन्हीं का याद है, तिलक नगर के पुराने और मशहूर गुप्ता जी कुल्फी वाले। 1976 से, मतलब कि यार ये लगाओ आप 47 साल हो चुके हैं, और इनके पास भाई FSSAI सारे सर्टिफिकेशन उन्होंने भाई ले रखे हैं। और देख लो भाई यहाँ पर चीज़ें देखो यार, सबसे पहले तो आप, और आपको ना उससे भी पहले ना मैं मेन्यू दिखाता हूँ। ये देखो मेन्यू देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। ड्राई फ्रूट्स की भाई, दूध की बोतलें भी मिलेगी, और रबड़ी कुल्फी तो भाई इनकी फेमस है ही, जो तिलक नगर की सेंट्रल मार्केट है ना उसके चौराहे पे दोस्तों आपको ये खड़े हुए दिख जाएंगे भैया जी हमारे। और ये देखो यहाँ पर ना लस्सी भी मिलती है, वो भी कुल्हड़ में। तो भाई चीज़ तो मिल रही है ना, और भाई ऑथेंटिक चीज़ें हैं बिल्कुल, तभी तो भाई 47 साल से दिल्ली की बेस्ट रबड़ी कुल्फी दोस्तों यहाँ पर मिलती है। साथ में दूध की बोतल मिलेगी, देखो रोबजा भी रखा हुआ है, तिल्ले वाली कुल्फी भी मिलेगी है, देखो केसर वाली दूध की बोतल भी, ड्राई फ्रूट्स लोडेड दूध की बोतल भी है जिसमें कम से कम 100 ग्राम ड्राई फ्रूट जाते हैं जितना हमें पता चला। चलो अंकल से बात करते हैं। तो भाई ये आके होने जी, अंकल जी नमस्ते, कैसे हो? बहुत बढ़िया महाराज। तो कितना टाइम हो गया आपको लगाते हुए? 1976 से। 1976 से। तो शुरुआत आपने किस आइटम से शुरू करा था? कुल्फी से, स्टिक वाली कुल्फी से। स्टिक वाली कुल्फी से। तो किस चीज़ की बनाते हो स्टिक वाली कुल्फी? दूध रबड़ी बना के तो उसका देते हैं लोगों को। अच्छा, रबड़ी बना के देते हो? तो ये होती प्योर दूध की है ना रबड़ी? प्योर दूध। तो उसके बाद आपने ये कुल्फी वगैरह भी शुरू करी है, रबड़ी फलूदा, ये कब शुरू किया था? शुरू करीब 10 साल बाद। 10 साल बाद ही शुरू कर दिया था आपने, तो मतलब 1976 से, तो कितने साल हो गए होंगे? 24 और 23, 47 साल। 47 साल से एक ही जगह पे लगा रहे हो, क्या बात है यार। तो ये जो रेट्स है अंकल जी, ये शुरू से इतने चल रहे हैं या अभी रिसेंटली बने? रुपया, 2 रुपया, 8 आने, 50 पैसे ऐसे थे। रेट तब बढ़ना शुरू हुआ, अब बढ़ने जैसे महंगाई बढ़ी वैसे रेट भी बढ़ना शुरू। अच्छा अच्छा, तो टाइमिंग्स क्या रहती है, टाइमिंग्स बता दो। टाइमिंग 3:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक। 11:30 बजे तक रहता है। वो छुट्टी भी रखते हो किसी दिन? छुट्टी नहीं होती हमारी, कोई छुट्टी नहीं होती। पहले बुधवार की होती थी, अब नहीं होती। यहाँ पे मार्केट बंद होती है ना बुधवार की? तो खुली जाती, कोई नहीं बंद करता। अच्छा, अब खुली रहती है? खुली जाती है। कोरोना खलाद आई तो चल रही, कोरोना के बाद से खोलने शुरू कर दिया। तो अंकल जी एक चीज बताओ, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आपकी कुल्फी है कौन सी बिकती है? वो स्टिक वाली भी बिकती है, रबड़ी फलूदा भी बिकता है। स्टिक वाली भी बिकती है और रबड़ी फलूदा भी बिकता है। और जो दूध की बोतल है कौन सा सबसे ज्यादा पसंद करते हैं पीना? केसर वाली ज्यादा पीते हैं। केसर वाली ज्यादा पसंद करते हैं। और जो ये ड्राई फ्रूट्स वाली एक बोतल है, इसमें कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स होते होंगे? बादाम होता, पिस्ता होता, काजू होता, चिरौंजी होती है। चिरौंजी होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक एक दो दो डाल के कह दियो कि ड्राई फ्रूट्स है? 100 ग्राम के वैरायटी होती, 100 ग्राम करीब होता। 100 ग्राम के करीब डालते हो, और क्या बात है। चलो भाई देखते हैं फिर। तो अंकल जी शुक्रिया, आप मेरे को एक बार ना टूर कराओ अपना। ठीक है, चलो। तो चलो दोस्तों रबड़ी चेक करते हैं, दिखाते हैं थिकनेस, दिखाते हैं रबड़ी की। ये देखो भाई क्या बात है यार, अभी गिर भी नहीं रही है, देखो कितनी ठीक है यार रबड़ी, बहुत गाढ़ी रबड़ी बनती है। और ये इतनी ज़्यादा जाएगी ना रबड़ी फलूदा, जो मैं लूँगा आपको मैं दिखाऊंगा। और साथ में इसमें क्या होगा भैया? बेटा दारा सिंह बन जाएंगे 3 महीने में फलूदा। देखो भाई, तो इतने फलूदा डालते हो ना एक मुट्ठी भर के ये, और क्या बात है। और ये बोतल कैसी रखी है भैया? हनी सिरप। अच्छा, ये हनी ठंडे रखने के लिए दिखाने एक बार। सेफ रहता है इसमें ये दो। अच्छा, ये हनी सिरप आ गया, ओके। तो यहाँ पर और ये रोबजा रखा हुआ है, ये ग्लासेस, और ये तो भाई देखो प्रेजेंस के लिए दूध की बोतल है, बाकी इनकी इसमें होती है दूध की बोतल। ये देखो ये है इनका पिटारा, मैं खोल लूँ, देखो ये होते हैं भाई दूध की बोतल। और ये यहाँ पर आप ये स्टिक वाली है तो इसको हटाते नहीं है। तो चलो अब अपनी ना लगवाता हूँ, दिखाता हूँ आपको क्या लगवाऊंगा, फिर यार टेस्ट बताता हूँ, और अगर आपको स्वाद है तो भाई लुफ्त उठाना यार आप भी आके, ठीक है? चलिए दोस्तों, तो चलो दोस्तों भाई मेकिंग देखते हैं। बस ये है हमें कि जितने रेट्स हैं ना वो जस्टिफाई करेंगे या नहीं करेंगे वो क्वान्टिटी को, तो भाई बस देखना यही है। वरना तो भाई यहाँ पर हमने तारीफ बहुत सुनी है इनकी कुल्फी की यार, रबड़ी फलूदा कुल्फी हाई एंड चीज़ है ना, उसमें कुल्फी भी आ जाएगी ना, तो भाई इसलिए यार हमने वही ले ली। कुल्फी अलग से यार खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी साथ में दोस्तों हम दूध की बोतल भी लेंगे, ड्राई फ्रूट्स वाली जो हमने सुनाया था, और हमने बताया भी था 100 ग्राम ड्राई फ्रूट्स चलते हैं, तो भाई पी के तो हम ज़रूर बताएंगे वो भी। तो भाई सबसे पहले तो देख लो अपनी कुल्फी कट चुकी है, और अच्छी बात पता क्या है, ये ना बर्फ़ नहीं डालते, क्योंकि मेरे से पहले भी बनती हुई देखी थी मैंने, चीज़ें ठंडी करके रखी हुई है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। ये नहीं है ना कि थोड़ी सी मतलब काट पीट के बर्फ़ दे रहे हैं आपको जिससे क्वांटिटी बढ़ जाए, ना भाई वो वाला काम तो है ही नहीं यहाँ पर। तो वो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी,
और ये भी देखना है कि जितना ये फलूदा डालेंगे, जितना स्टार्टिंग में दिखाया था उतना ही है क्या? ये देखो भाई उतना ही है, देख लो प्योर फलूदा, कोई बर्फ़ नहीं है भाई इसमें, क्योंकि बर्फ़ की ना उन्होंने मोटी मोटी डली डाली हुई है बस, ये नहीं कि टुकड़े करके डाल रखे। तो आपको बर्फ़ भी, आप जब यहाँ पर विजिट करेंगे ना आपको पता चल जाएगा। ये दोस्तों आ गया हनी सिरप, तो मीठा करने के लिए हनी भी डलती है यहाँ पर, क्या बात है भाई। भाई मेरे तो बोलते बोलते मुँह में पानी आ रहा है, देख के भाई लग रहा है कि वर्थ है भाई ये रुपये इतने। क्योंकि तिलक नगर में जब भी आप आओ ना भाई, एक बार ज़रूर ट्राई करना, 4 बजे के बाद कभी भी आ जाना शाम को भाई, ये चीज़ खाने मज़ा आ जाएगा, हकीकत में मज़ा आ जाएगा। गर्मी इतनी है ना तो भाई ये ठंडी ठंडी चीज़ खाओ। और ये इतनी हैवी लग रही है ना मेरे को, क्योंकि देखो अब रबड़ी देखो कितनी गाढ़ी रबड़ी है और कितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में रबड़ी गई है यार। तो अभी तक पूरी दिल्ली में मैंने इससे बढ़िया कुल्फ़ी रबड़ी फलूदा देखा ही नहीं है अभी तक, और खा के तो मैं बता ही दूंगा। चाहे आप ज्ञानीस की बात कर लो, ज्ञानीस की हट्टी पे भाई, उसका भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आपको ये मिल जाएगा। तो भाई देखो ऑलमोस्ट अपना रेडी है ये, बस ये ऊपर से दोस्तों आ गया रोफ़ा, इसको मिक्स करवाते हैं। और भाई साथ में मैं दूध की बोतल ले लूँगा, स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाई दी थी ड्राई फ्रूट्स की लूँगा, तो चलो दोनों ही अपनी रेडी है, मतलब दूसरी में ले लूँगा। तो चलो अब इसको आपको टेस्ट करके बताता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, भाई रेडी है दोनों चीज़ें अपनी, और गर्मी इतनी ज़्यादा है तो भाई मीठा खाओ और तंदुरुस्त हो जाओ। तो सबसे पहले ये ट्राई करते हैं, वर्थ लग रहे हैं यार 100 रुपये तो। लोडेड ड्राई फ्रूट्स है जो भैया ने बताया था हमें, इसमें नो वंडर 100 रुपये की क्यों, प्योर दूध की बोतल भाई, देखो यार मज़ा आएगा। और ये है चीज़ तो 100 रुपये की लोडेड, देखो यार। और आपने रबड़ी देखी होगी ना कितनी गाढ़ी है, ये देखो कितनी मोटी रबड़ी है। और कुल्फी भी इतनी सारी, तो हमने सारी चीज़ें एक में ले ली, एक ही साथ सारी चीज़ों का साथ बैठे थे तो मज़ा आता है। चलो इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है भाई। रोफ़ा डाल के तो एनहांस हो गया, और इतना मुट्ठा भर के भैया ने फलूदा डाला था देखा था, और कुल्फी का पूरा एक वो कोन था है ना, और साथ में भाई रबड़ी थी। ये देख लो अभी भी देखो कितनी थिकनेस दिखाता हूँ मैं आपको रबड़ी की, ये देखो इसको खा लेता हूँ। रबड़ी खा के ऐसा नहीं लग रहा कि अनफ्लेवर्ड है, इसमें कुछ मिलाया हुआ है, बट प्योर दूध की रबड़ी, कुछ एक्स्ट्रा एडिड फ्लेवर इसमें, भाई मज़ा आ गया खा के यार। तो भाई जब भी तिलक नगर से आओ ना तो ये दोनों चीज़ें गुप्ता जी कुल्फी वाले के पास खा के ज़रूर जाना, वर्थ शॉट भाई, दोबारा ज़रूर खाओगे। गर्मी इतनी है, ये चीज़ों से चलती चलते। चलो भाई मिलता हूँ आपसे हमारे अगले व्लॉग में, इसको फिनिश कर लूँ, गर्मी बहुत लग रही है। तो आपको बताओ भाई कैसा लगा व्लॉग, ठीक है? चलो टाटा और बिग थम्स अप यार।